कई बार मन में विचार आता है कि संसार में हर एक व्यक्ति के अलग अलग मोबाइल नंबर है। समझना, समझने वाली बात है। संसार में हर एक व्यक्ति के अलग अलग मोबाइल नंबर है, और जिसका मोबाइल नंबर हम मिलाते हैं उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, उससे हम जुड़ जाते हैं, उससे हम बातचीत कर पाते हैं। आजकल तो वीडियो कॉल है, उसको हम देख पाते हैं, उसको हम फील कर पाते हैं, उसके साथ हम संपर्क में आ जाते हैं। और आज के संसार का यह उसूल है, कोई भी अच्छे इंसान से आप मिलोगे, कोई भी अच्छे इंसान से आपका संपर्क होगा, तो जाते जाते हम उसका क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मोबाइल। पहले तो नाम लेते थे, पता लेते थे, पूरा एड्रेस लेते थे, पिन कोड लेते थे, अब कुछ जरूरत नहीं है, अब एकमात्र मोबाइल नंबर हो काम बन जाता है। संसार में कोई भी इंसान से हम मिले और वह इंसान में हमें अच्छाई महसूस हो, हमें लगे कि वह इंसान हमारे काम का है, हमें लगे कि वह इंसान हमारे उपयोगी बन सकता है, कहीं ना कहीं उसका संपर्क हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, वो सभी इंसान का मोबाइल नंबर हम जरूर ले लेते हैं, ताकि जब भी उनसे कनेक्ट करना चाहे, जब भी उससे संपर्क करना चाहे, तो निश्चित तौर पर हम संपर्क कर सके। लेकिन परमात्मा के मंदिर में हम प्रतिदिन जाते हैं, हर रोज जाते हैं। हमने कभी विचार किया कि परमात्मा का भी कोई मोबाइल नंबर होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा? यदि किसी के मोबाइल नंबर से हम किसी के साथ कनेक्ट कर पाते, किसी के साथ जुड़ पाते हैं, तो रोज परमात्मा के जिनाले में जाते हैं, रोज परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, और मुझे लगता है कि परमात्मा का भी कोई मोबाइल नंबर होगा जिससे हम परमात्मा के साथ कनेक्ट कर पाए, परमात्मा के साथ जुड़ पाए। आप भले घर में बैठे हो, आप भले ऑफिस में बैठे हो, आप भले आपके व्यापार के क्षेत्र में बैठे हो, आप भले दुकान में हो, आप भले जिनालय में नहीं हो, लेकिन परमात्मा का मोबाइल नंबर यदि आपके पास होगा, तो निश्चित तौर पर आप परमात्मा से हमेशा कनेक्ट रहोगे, आप परमात्मा से हमेशा जुड़े हुए रहोगे। इसलिए मेरे मन में ख्याल आया कि संसार में हर इंसान का मोबाइल नंबर है, तो परमात्मा का भी कोई ना कोई तो मोबाइल नंबर जरूर होगा जो हमें परमात्मा के साथ जोड़ दे। और समझ में यह आया कि संसार के अलग अलग देश में अलग अलग मोबाइल नंबर है। कहीं पर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, इंडिया में हमारे यहाँ 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, कहीं पर 8 का है, कहीं पर 12 का है, अलग अलग देश में अलग अलग मोबाइल नंबर चलते हैं। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं, बड़ी गजब की बात लिखी गई कि समझना, परमात्मा का मोबाइल नंबर एक ही डिजिट का है। आप बता सकते हो कौन सा डिजिट होगा वो? है एक नंबर, एक डिजिट जो आपके सामने आंकड़े हैं, उसमें से एक आंकड़ा ऐसा है जो परमात्मा के साथ आपको कनेक्ट कर दे, वो आंकड़ा कौन सा बता सकते हो? कौन सा आंकड़ा? 9 नंबर, आप सबको बहुत प्रिय है ना 9 नंबर। कौन सा आंकड़ा? ये जो हमारे सामने जितने भी अंक शास्त्र के अंक है, उसमें से एक अंक ऐसा है जो हमें परमात्मा के साथ जोड़ देता है। और बड़ी गजब की बात लिखी गई कि समझना, जीरो का जो फिगर है, जीरो, जीरो समझते हो आप? जीरो का जो फिगर है वो परमात्मा का मोबाइल नंबर है, वो आपको परमात्मा के साथ जोड़ देगा। कहा क्या जीरो? जीरो का मतलब क्या? जीरो का मतलब क्या निकाला जाए? तब शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि जब खुद को हम शून्य कर लेते हैं तो परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे अहंकार को जब शून्य कर लेते, खुद को शून्य करना यानी हमारे अहंकार को शून्य कर देना, और जिस जिसने ये संसार में अहंकार को शून्य कर दिया, जीरो डिजिट अपना लिया, वो परमात्मा के साथ कनेक्ट हो गया, उसको कोई परेशानी नहीं आई। संसार में जिस जिसने ये कोशिश करी कि हम खुद जीरो हो जाए, जो एक नंबर पे जाने की कोशिश करता है परमात्मा उससे दूर है, जो 2 नंबर पे रहने की कोशिश करता है परमात्मा उससे भी दूर है, बाकी के 1 से लगा करके 9 डिजिट बेकार है। परमात्मा से जुड़ने के लिए एक ही डिजिट चाहिए, कौन सा चाहिए, कौन सा चाहिए? जीरो। ये जीरो डिजिट ऐसा है जो हमें परमात्मा के साथ जोड़ देता है। और जीरो क्या करना? हमारा अहंकार जीरो करना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि धर्म की फलश्रुति एक ही है, हमारा अहंकार निकल जाए। जो भाव भाव की आदत हम लेकर के बैठे हुए हैं, जो भाव भाव के हमारे ऐसे एक आदत हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, हमारे आत्मा के ऊपर जो आदत पड़ी हुई है, वो आदत हटानी है। जो ईगो हम लेकर के बैठे हैं, वो ईगो के भावों को हटाना है। ऋषि ने कहा कि परमात्मा से यदि जुड़ना है तो निश्चित तौर पर अहंकार को जीरो करना पड़ेगा, निश्चित तौर पर आसक्ति को भी जीरो करना पड़ेगा। जो संसार में हर जगह आप कनेक्ट हो रहे हैं,
संसार में जो हर जगह आप कहीं ना कहीं कनेक्शन लगा रहे हो, संसार में हर जगह कहीं ना कहीं आप जुड़ रहे हो। ऋषि ने कहा कि अहंकार को जीरो कर लिया जाए, आसक्ति को जीरो कर लिया जाए, अपराधों को जीरो कर लिया जाए, ये जीरो डिजिट में ऐसी ताकत है जो निश्चित तौर पर आपको भगवान के साथ जोड़ सकती है, आपको परमात्मा मय बना सकती है। और मात्र जोड़ सकती है, उतना नहीं, हमारे यहाँ तो यहाँ तक लिखा गया कि अरिहंतना ध्याने अरिहंत बनी जसो, जिननी भक्ति करता करता जीन बनी। कहा कि जीरो की ये ताकत है कि आपको भगवान से जोड़ेगा नहीं, आपको खुद भगवान बना देगा। ये ताकत जीरो की है। और इसलिए संसार में जब भी पूछा जाए कि भगवान का मोबाइल नंबर कौन सा, तो क्या बताना है? शून्य। अपने आप को शून्य कर लो। जब तक हमारा अस्तित्व है, जब तक हमारा वजूद है, जब तक हम ये सोचते रहेंगे मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ है, जब तक ये भाव हमारे भीतर जागते रहेंगे, तब तक आप भगवान से नहीं जुड़ पाते। जिस दिन जीरो की कक्षा में आ गए, और संसार में जितने भी महापुरुष, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो आनंद घन जी हो, चाहे वो नरसिंह मेहता हो, चाहे उदय रत्न जी महाराज हो, चाहे ज्ञान विमल महाराज हो, संसार में जितने भी लोग परमात्मा से जुड़े, उन्होंने एक ही काम किया, अपने आप को क्या कर लिया, क्या कर लिया, शून्य बना लिया। जिस जिसने शून्य बनाया उसने प्रभु को पा लिया, उसने परमात्मा को पा लिया। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसार में हर आदमी का मोबाइल नंबर आप लगते हो, परमात्मा का भी मोबाइल नंबर रखो, क्योंकि परमात्मा का मोबाइल नंबर एक ही डिजिट का है, और वो डिजिट है जीरो। जीरो शून्य के भाव में जो आ गया, उसने निश्चित तौर पर समझ लेना परमात्मा से कनेक्ट कर लिया, परमात्मा को पा लिया, परमात्मा मैं बन गया। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।